So now, students, let us discuss the next category of conducting the business over the internet. That is B2B, business to business. Now, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर अब consumer का word मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल से देखें तो अगर एक बिजनेस कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है तो देयर हैज टू बी अ पोटेंशियल बायर. यानी मैंने फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर बनाया, वो मेरे किसी काम का नहीं है, अगर उसे कोई खरीदेगा नहीं तो देखने में ये लगता है बी टू बी में कि कोई बायर नहीं है, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं. देखें, मैंने फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर प्रोड्यूस किया, उसको खरीदने वाले मल्टीपल तरह के हैं. एक तो है एज अ कंज्यूमर, जो कि फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा हो सकता है. दूसरा वो शॉप वाला है जिसकी शॉप पे मेरा बनाया हुआ कंप्यूटर डिस्प्ले होगा और एंड कंज्यूमर आके परचेज करेगा. ये दूसरी टाइप का परचेजर हो गया. तीसरा कि मैंने एक कंप्यूटर बनाया, वो एक होलसेलर है, यानी एक बड़ी दुकान है जो मैन्युफैक्चरर से, फैक्ट्री ओनर से डायरेक्टली बल्क में चीजें परचेज करता है, यानी कम रेट पे, और आगे फिर रिटेल शॉप को वो प्रोवाइड करता है अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के, और उस रिटेल शॉप से एंड कंज्यूमर आगे चीज परचेज कर लेता है. और ये बहुत सिंपल चीज है. अब जब हम बिजनेस टू बिजनेस की बात कर रहे हैं, यानी बी टू बी की बात कर रहे हैं, फर्क सिर्फ ये है कि अब बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों बिजनेसमैन है. अब ये सुनने में थोड़ा सा और लगता है, लेकिन एक चीज बना रहा है और एक चीज उससे खरीद रहा है आगे बेचने के लिए. जिसको बेच रहा है या तो वो एंड कंज्यूमर हो सकता है, यानी मैं और आप हो सकते हैं, या वो रिटेल शॉप वाला हो सकता है जिसकी शॉप पे जो प्रोडक्ट है वो डिस्प्ले होगा ताकि उसको एंड कंज्यूमर आके परचेस करे. लेकिन जो चीज हमने दिमाग में रखनी है वो ये रखनी है कि इट इज बिटवीन टू बिजनेसेस. ट्रांजैक्शन अभी भी हो रही है, यानी सेल परचेज हो रही है. अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाई आई एम सेइंग कि ये ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स इसलिए है कि इसमें सेल परचेज अभी भी हो रही है. ऑनलाइन सेल परचेज प्रोडक्ट्स की हो रही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने एंड कंज्यूमर का एस्पेक्ट निकाल दिया. तो अमूमन जो ज्यादा वेबसाइट्स हैं, ज्यादा कंपनीज हैं, वो ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक होती है. दे सेल अ कस्टमर सेंट्रिक प्रोडक्ट. व्हाट डज इट मीन? इससे मुराद ये है कि जो सबसे बड़ा जॉइंट है, फॉर एग्जांपल आज से कंसिडर करते हैं अमेज़न, उसका जो मेन फोकस है या जो उसकी सेल का बहुत बड़ा चंक है वो एंड कंज्यूमर को सेल करना है चीजें. लेकिन जो बी टू बी है वो बेसिकली जो छोटे बिजनेसेस है जो मार्जिन के ऊपर चलते हैं, यानी फॉर एग्जांपल होलसेलर है, उसने सस्ती चीज खरीदी और अपना मार्जिन रख के रिटेल वाले को महंगी चीज बेची, और रिटेल वाले ने, जो शॉप है, उसने फिर अपना मार्जिन रख के फॉर एग्जांपल उसने आगे एंड कंज्यूमर को सेल कर दी. एट द एंड ऑफ द डे चीज पहुंची कंज्यूमर के पास ही है, यानी मेरे पास ही पहुंची है. फर्क सिर्फ ये है द पाथ इज डिफरेंट. यानी बीच में जो थर्ड पार्टी है वो बी टू सी में नहीं होता. बी टू बी में थर्ड पार्टी दो मौजूद हो सकती हैं, एक होलसेलर यानी मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, और फिर होलसेलर से रिटेल सेलर, और फिर रिटेल सेलर से एंड कंज्यूमर. तो बी टू बी का जो मेन फोकस है वो बड़े बिजनेसेस नहीं होते. बी टू बी ज्यादा प्रमोट करता है ट्रांजेक्शन बिटवीन स्मॉल बिजनेसेस, SMEs जिसको हम बोलते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिनका डे टू डे बिजनेस ही चल रहा होता है प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर. दे डोंट बैंग ऑन द वॉल्यूम, दे बैंग ऑन द मार्जिन. यानी बल्क में खरीदा, एक एक करके बेचा, और फिर जो एक एक के ऊपर मार्जिन था उस पर वो लोग बैंग करते हैं. इंटरेस्टिंग चीज जो आपको समझने की जरूरत है कि इवन जायंट लाइक अमेज़न, नाउ दे हैव रियलाइज द वैल्यू ऑफ, और नाउ दे हैव रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ बी टू बी. यानी इंटरनेट के ऊपर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बनाई हुई चीज कैसे बेच सकता है, इसका जो पोटेंशियल है
वो अब Amazon को realize होना शुरू हुआ है. Now this is the second way to conduct business over the internet. एक B2C था, बड़ी common चीज, और लेकिन जो आजकल बहुत ज्यादा promote हो रहा है या बहुत ज्यादा emerge हो रहा है, that is B2B. तो even even companies like Amazon, उन्होंने भी अब B2B शुरू कर दी. यानी मैं Amazon पे बैठा हुआ चीज सेल भी कर सकता हूं. B2C के अंदर तो मैं चीज परचेज कर रहा था, नाउ आई कैन एक्ट एज अ सेलर. अगर मैं इसको वन लाइनर सम अप करूं, B2B इज बेसिकली सेल एंड परचेज बिटवीन बिजनेस एंड कंज्यूमर. नहीं है ये दो कंपनीज के दरमियान, जो किसी भी मुल्क में हो सकती हैं. ऑब्वियसली लीगल जो इश्यूज हैं या जो शिपिंग के इश्यूज हैं, वो ऑब्वियसली दीज इश्यूज विल बी देयर, और खासतौर पर जो पेमेंट के इश्यूज हैं, दीज इश्यूज विल बी देयर. बट इट इज असेंशियली द ट्रांजेक्शन बिटवीन टू डिफरेंट कंपनीज, नॉट अ कंपनी टू अ कंज्यूमर.